वेलकम टू माई चैनल नेवी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा यूरोपियन टी10 माल्टा लीग का 52 मिनट बाद AUK वर्सेस MSW के बीच। मैं आज इस मैच की वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा वर्क था भाइयों, लेकिन मैं इसको एनालाइज बहुत पहले ही कर चुका हूँ। तो बात करूँ इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, इस मैच की मैं आपको फाइनल टीम दूंगा अपने इस चैनल पर जिसका नाम है AB Rocks Dream 11 Teams। तो ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे यह है प्रीवियस मैचेस के कुछ स्क्रीनशॉट, नाइट मैच में बहुत ज़बरदस्त गया था। एंड आप लोगों को एक और मेन मैं आपको अब एक बात बताना चाहूँगा, ये जो आपको मेन बात बतानी ये है भाइयों, ये दोनों टीम्स का मैच देखो मैं आपको बता दूं, बॉलिंग साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है दोनों टीम्स की, बॉलिंग साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब बैटिंग अगर इनकी अच्छी है तो बॉलिंग और ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विकेट गिरने के बहुत आसार हैं, मतलब फर्स्ट इनिंग में भी कम से कम 5-6 विकेट जाएंगी इनकी। तो बात करूँ विकेट कीपर की तो आर नायर जब बंदा इस पर भरोसा करता है उस दिन ये उड़ता है जीरो पे। अब ये लगा लो ना, इसने उस दिन विकेट ली और मैंने 10 बार नोटिस कर चुका हूँ, जब आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं रखोगे उस दिन ये बहुत चलेगा। जैसे कि ये वाला मैच 30 नवंबर को, अगर आपको मैं सही बात बोलूँ ये बात का मतलब एक सीधा सीधा निकलता है, अगर आपको इस प्लेयर पर भरोसा करना है तो आप ग्रैंड लीग में इसको कैप्टन ट्राई करके ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी लोग आज इसको स्मॉल लीग में कैप्टन अपना ट्राई नहीं करने वाले, थोड़े बहुत करेंगे 4 मेंबर में, लेकिन हेड टू हेड या 3 मेंबर में ये दिखना मुश्किल है। तो आपको मेन बात यही बोलूँगा, अगर आप GL खेलते हो या फिर मिनी GL तो अपनी एक आधी टीम में, 11 में से एक आधी टीम में इसको कैप्टन ज़रूर ट्राई करना। बात करूँ बैट्समैन की तो SSunnish, ये बंदा ऑलराउंडर है, शुरू शुरू में इसने बॉलिंग नहीं डाली थी, तो उसके बाद जब इसने कमबैक किया तो ये भाइयों 2 ओवर बॉलिंग प्लस अपनी टीम से ओपनर या फिर वन डाउन आता है, मतलब टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, बेस्ट ऑलराउंडर है भाइयों, दिखने में बैट्समैन है लेकिन ऑलराउंडर जैसी इसके अंदर बहुत अच्छी पारियां खेलने की क्षमता है। तो आगे से बात करूँ जय जॉर्ज की, जॉर्ज इज़ ए नॉर्मल बैट्समैन, इसकी बॉलिंग इतनी खास नहीं है, अगर ये बंदा जीरो पे उड़ेगा तो भी आपका लॉस नहीं होगा, अगर ये बंदा सेंचुरी मारेगा फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको सबकी टीम में प्लेयर दिखने वाला है और मेन प्लेयर नहीं है, ये पूरा मेन प्लेयर है, सॉरी कैप्टन वाइस कैप्टन, ये ज़्यादा लोगों का नहीं रहने वाला। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर ए अब्दुल बेगम को, तो मैं हर बार लेता हूँ, इस प्लेयर को छोड़ना मत, मैं फिर कह रहा हूँ ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, अगर ये 20 रन भी मार गया तब भी आप हार जाओगे अगर ये आपकी टीम में ना हुआ। तो आगे से बात करूँ ऑलराउंडर की तो बी जॉर्ज अपनी फॉर्म पकड़ चुका है, मतलब एक बार अपनी फॉर्म में दोबारा आ चुका है, शुरू शुरू में मुझे लगा था कि भाई अब तो ये गया, लेकिन जब इसका कम बैक हुआ ना, इसकी स्ट्राइक रेट और इकॉनमी रेट यूँ बढ़ी है ऊपर, तो भाइयों काफ़ी बढ़िया प्लेयर है। S Thomas की बात करूँ, S Thomas को मैं सिर्फ बॉलिंग के तौर पे लेता हूँ, भले ये जीरो पे आउट हो मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर ये एक आधी विकेट ले जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि भाइयों मैं इसको बॉलिंग के तौर पर ले रहा हूँ। SK Appu ये है आज का हमारा की प्लेयर, 2 ओवर बॉलिंग मिलने लग गई है इसको, इसकी जगह ना आप चाहो तो A Shah को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको सही राय दूँ तो SK Appu ना बॉलिंग बहुत अच्छी डाल रहा है और मतलब पूरा बैठ गया ये वाली पिच पे, तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। बात करूँ बॉलर्स की, एम एंटोनी और नीचे से एक प्लेयर है बी जॉय की सिलेक्शन आज बहुत कम है, तो भाइयों लुक तो डालो इसका, क्योंकि अगर ये एक भी विकेट ले गया सीधा आपकी टीम करेगी रॉक। और आगे से बात करूँ एक और प्लेयर जिसका नाम है एल शाजू एंड नेक्स्ट प्लेयर भाइयों बी पॉल, ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त आज कुछ कर सकते हैं, और नीचे से और कोई इतना खास नहीं है, लेकिन आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, जैसे कि बी जॉय की जगह ट्राई कर सकते हो, ये प्लेयर S Joy, लेकिन मैं करूँगा बी जॉय को ट्राई। तो बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन रहेगा बी जॉर्ज एंड वाइस कैप्टन SSunnish मंगल, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डाउट है, आप चाहो तो नायर को ट्राई ज़रूर करना इस प्लेयर को। तो मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।